आज हम लोग फाइनली लेने वाले हैं अपने लिए एक नई टैक्सी, क्योंकि अब बहुत हो चुका, मैं अकेले काम कर रहा हूँ और पैसे ना कमा नहीं पा रहा हूँ। हो क्या रहा है कि मैं पैसे कमा रहा हूँ और उसके बाद से जितना पैसा कमा रहा हूँ टैक्सी को रिपेयर करने में, पेंट वेंट करने में, उसी में खर्च हो जा रहा। तो इसलिए आज हम लोग $5,000, मुझे याद है कि $5,000 में हमारे पास एक नई टैक्सी आ सकती है, तो ट्राई करूंगा कि आज मेहनत करूँ $5,000 या $6,000 में एटलीस्ट सबसे सस्ती वाली टैक्सी हम लोग बाय करें। और मुझे देखना है कि क्या एक्चुअल में हम लोग किसी इम्प्लॉय को हायर कर सकते हैं। अभी कंफर्म नहीं है कि ऐसा होगा, बट हम लोग जब नई टैक्सी बाय कर लेंगे तो उसके बाद ये पता चलने वाला है। फिलहाल हम लोग यहाँ से फट से ना एक कस्टमर को, पहला कस्टमर पिक कर लेते हैं। 342 462 157, मुझे लगता है कि 462 ये वाला सबसे सही कस्टमर है अभी हमारे लिए। अबे रुक जा, जबरदस्ती गाड़ी के आगे मत आ, ये ड्रिफ्ट मारते हुए कहाँ से आ रहा है? ये लोग ना बहुत कूल बन रहे हैं यहाँ पे। अब मेरे को नई टैक्सी लेने, तो फिर हम भी ड्रिफ्ट मारेंगे यहाँ पे। अभी अपनी हालत थोड़ा ख़राब है, अभी हम लोग ज़्यादा पैसा कमा नहीं पा रहे, बट आज ये मतलब जो गरीबी है ना अपने से दूर होने वाली है, हम लोग बहुत पैसे कमाने वाले हैं। बस मेरे को एक बार गैराज में जाके कंफर्म चेक करना है कि क्लियरली एक्सपी कितनी चाहिए, ताकि मैं उस हिसाब से आगे गेम में प्रोग्रेस करूँ। एक्सपी कितनी चाहिए और दूसरा हमको कितना पैसा चाहिए। जहाँ तक मुझे याद है ना लास्ट वाले एपिसोड में आप लोगों ने भी देखा होगा शायद, 5,000 में हम लोग नई टैक्सी, यार ये बंदा ड्रिफ्ट मारते हुए लेके आ रहे, क्या चल रहा है? तो इस गेम का AI ना बहुत गंदा है, अभी देखना ठोक देगा, ये बहुत गंदा है। इस पे अपडेट आने भी वाला था बट अभी तक तो नहीं आया, शायद आ जाएगा, तो ये चीज़ें फिक्स होने वाली। क्योंकि देखो बहुत, ये देखो कहाँ पे टेढ़ी करके गाड़ी लगा रखी इस बंदे ने, यही सब करते रहते हैं। नाम मेरा आता है कि मैंने गाड़ी ठोक दी और मैं ठोकता, और अगर ये लोग मेरे को ठोकते हैं ना उसके बाद भी पैसा मेरा कटता है। ये लोग यहाँ पर ट्रैफिक में क्या बैठे हुए हैं, केज में जैसे, यहाँ पे गंदगी में खाना खाने के लिए। ऑलराइट, तो हमारा कस्टमर यहाँ पे इंतजार कर रहा है, इसको पिक करते हैं और अब चलते हैं हम लोग सीधा इसको लेके। चलिए बात करेंगे तो फायदा हमको मिलने वाला है, एक्सपी बढ़ेगी हमारी। बाकी कोई भी मॉन्यूमेंट अगर दिखता है ना गाइस, तो हम लोग उसको कैप्चर कर लेंगे और उसकी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास एक्सपी हमारी बढ़ जाएगी। अभी हमारा ऑलमोस्ट 9,000 के अराउंड एक्सपी होने वाली है, एक्सपी की कमी नहीं होने वाली, एक्सपी बहुत है अपने पास। बस रास्ता है भी यहाँ पे, है यार। ये जो पतली तंग सी गलियाँ होती है ना, इसमें मेरा चलाने का मन बिल्कुल नहीं करता। मज़ा आता है वैसे, क्योंकि एक टास्क होता है, चैलेंज होता है यहाँ पर गाड़ी चलाना। यार यहाँ पर मेरे को गियर क्यों नहीं पता चल, अच्छा न्यूट्रल गियर है ना, अब पता चलेगा। दिख रहा है थोड़ा, स्टेयरिंग व्हील से दिख उतना सही से नहीं पा रहा है। ऑलराइट, 30 की स्पीड से चलानी गाड़ी, ध्यान रखना इस चीज़ का। हाँ, जब मैं और गेम खेल रहा होता हूँ ना तो बेफिक्र होकर चलाता हूँ, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग में मेरे को बहुत स्ट्रगल हुआ था, मतलब पैसे कमाने मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था, जबकि ऐसा कुछ है नहीं इस गेम में। पैसे कमाना मुश्किल इसलिए हो रहा था क्योंकि मेरे से रहा नहीं जा रहा था, और मैं बहुत स्पीड से गाड़ी चला दे रहा था। इतना मतलब उसमें भी नहीं है, यूरो ट्रक सिमुलेटर में ना, उसमें भी एक लिमिट के बाद जैसे ही आप सिटी से बाहर निकलते हो फिर भगाओ, फिर तो बहुत तेज भगाओ, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। बट यहाँ पे थोड़ा अलग सिस्टम है। अभी मैं इसको मैनुअल विद क्लच नहीं कर रहा हूँ, मैनुअल विद क्लच करूँगा ना बहुत इरिटेशन होगी, मतलब गाड़ी बार बार बंद हो जा रही है। मैंने इसको थोड़ा ऑफ कैमरा ट्राई किया था बट बहुत दिक्कत हो रही है यार, मतलब मेरे को उतना अच्छे से यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, मतलब कुछ ज़्यादा ही रियलिस्टिक बना रखा है, तो उससे इरिटेशन हो रही है। जहाँ वो भी गाड़ी थोड़ा सा वो करो बंद हो जा रही है, मतलब अलग ही सिस्टम चल रहा है इसका, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ उसको। अभी हम लोग मैनुअल चला रहे हैं बट क्लच का कोई यूज़ नहीं, हम लोग बिना क्लच के भी गाड़ी गियर शिफ्ट कर सकते हैं। ये देखो मेरे पीछे कौन बैठे हैं, ये बैठे हैं, बोर हो रहे हैं वहाँ से, पीछे बंदा देखो लाइन मार रहा है उस पर, अभी पिटेगा मेरा हाथ से। ये क्या चल रहा है यहाँ पे, चलिए निकलते हैं थोड़ा फास्ट। यार मेरे को जगह जगह पर ना लिमिट हमारे उसमें आनी चाहिए, जैसे कि यूरो ट्रक सिमुलेटर में होता नहीं है कि हमारे डैशबोर्ड में हमको दिख रही होती कि इस रोड में लिमिट कितनी है। वैसे तो यहाँ पर 3 लिमिट चलती है, 80 की स्पीड और 50 की स्पीड और 30 की स्पीड, तो उसी में हमको चलाना होता है। वो बंदा देखो रेड लाइट क्रॉस करके जा रहा है। मैं कह रहा हूँ ना इस गेम का AI इतना गंदा है कि मतलब लोग इसी की कंप्लेन कर रहे हैं। तुम कहीं सड़क किनारे गाड़ी खड़ी करके कुछ खा रहे हो ना समोसे, इतनी स्पीड से आके कोई बंदा ठोक जाएगा, समोसे से आलू निकल जा रहा है, उसके बाद फिर क्या खाओगे, मैदा, तो पे भी करना पड़ेगा लास्ट में। मतलब ये सब अजीब अजीब चीज़ें हो रही इसमें। हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि यार मैं इसमें गियर चेंज क्यों नहीं कर रहा हूँ। लास्ट वाले एपिसोड में थोड़े बहुत कॉमेंट्स आए थे कि मेरे को गियर शिफ्ट करना चाहिए, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि देखो गियर चेंज करूँगा ना 70 की स्पीड। अब अगर मैं फोर्थ गियर यहाँ पर डालता हूँ, देखो अभी मैं फुल स्पीड से चला रहा हूँ यहाँ पर गाड़ी 71 तक जा रही है, 75 तक जाएगी, उससे ऊपर नहीं, लेकिन जैसे ही मैं फोर्थ जाऊँगा और स्पीड से हो जाएगी, तो मैं स्पीड लिमिट के चक्कर में कर रहा हूँ मैं ये सब।
अभी क्या है कि सेकंड गियर में गाड़ी है, अगर बहुत तेज भी भगाऊंगा तो कोई दिक्कत होने वाली है नहीं, है ना। अगर मैं रेस में फुल थ्रॉटल भी दूंगा ना तब भी कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि गाड़ी उससे तेज भागनी है नहीं, तो टेंशन फ्री होकर चला रहा हूँ मैं। यार ये क्यों अजीब अजीब रास्ते क्यों दिखा रहा है मेरे को, दिमाग खराब हो गया क्या? 63 मीटर पे है वो, क्या मतलब बनता है यार उल्टा सीधा रास्ता दिखाने का इस मैप के चक्कर में। तो मैं ये देखो इधर पर छोड़ना उस लड़की को, लेफ्ट साइड छोड़ना, और कहाँ दिखा रहा है बताओ, मैं उसको रॉन्ग साइड से छोड़ रहा हूँ। बट इतने में गुस्सा जब तक एकदम एज पे आके बंदे से टकरा गई गाड़ी, क्या करा जाए यार अभी क्या हो। हम तो माइनस में चल रहे हैं गाइस, पैसे कमाने हमको गवाने नहीं है। एक सेकंड, पहले किसी गैराज में जाके एक बार कंफर्म देख के आऊं क्या? गैराज में चल रहे हैं पहले गाइस, गैराज में चल रहे हैं, देख के आ रहे हैं कि कितना पैसा लगता है। तो सबसे पहले हम लोग गैराज में चलते हैं, कंफर्म चेक करके आते हैं कि हमको कितना रुपया चाहिए, है ना, ताकि हम लोग अपने लिए एक टैक्सी बाय कर पाएं। रोड कौन सी जानी है यार, एक तो मैं बार बार कन्फ्यूज जा रहा हूँ। यहाँ से जाना है, हाँ यहीं से जाना है, राइट हैंड साइड है ना, हाँ ठीक है। रुक जाओ आराम से, चलिए अभी भगाते हैं थोड़ा सा। नहीं मुझे कहाँ पे जाना है, गैराज उधर है ना, ये है ना गैराज। एक सेकंड कलेक्ट कर लेते हैं, एक्सपी मिल गई हमारे पास फाइनली, 9000 एक्सपी हो चुके गाइस। अभी चल रहे हम लोग, क्यों नहीं आ रहा ऑप्शन, अच्छा आ गया ना, ठीक है ऑलराइट। तो सबसे पहले ये क्या चीज़ है गाड़ी का, कैबिन गंदा हो रहा है क्या, थोड़ा बहुत रिपेयर कर लेता हूँ, थोड़ा सब कर लेता हूँ ना, पूरा करूंगा तो सारे पैसे खत्म नहीं हो जाएंगे मेरे, इतना नहीं कर रहा है। अब अगर हम लोग कार बाई करें, सपोज मेरे को 6500 और ये कितने के 5000 की, ये भी सही है 5000 की मेरी वाली सेम टैक्सी, और ये कौन सी है, और ये कौन सी है, $16,000 की टैक्सी है गाइस, ये कितनी सही लग रही है ना। लेकिन ओके ये भी एक कार है 9000 की, विंटेज वाली कार लेंगे हम लोग $5000 में, कंफर्म हो चुका है। एक्सपी की कोई दिक्कत नहीं है, हमको पैसा चाहिए बस, एक्सपी शायद है हमारे पास, ठीक है। चलिए अभी चल रहे हैं, अब मेहनत करते हैं काम पे, बहुत हो गया, बहुत ड्रामे हो गए, बहुत पैसे खर्च कर लिए, अब पैसे कमाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग किसको लेते हैं यहाँ से, हम लोग हैं अभी कहाँ पे, आई थिंक इसको 276, यार कम पैसा क्यों पे कर रहे हैं मेरे को, चलिए इसको छोड़ के आते हैं 361 यूरोस। आज को कितना लंबा रास्ता दिखा रहा है मेरे को, हम तो लेकिन सीधा इधर से निकलेंगे, इतना नहीं सुनता, जब कस्टमर है तब अलग बात है, लेकिन और टाइम नहीं, और टाइम इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कम ही करते हैं यार, फर्स्ट गियर सेकंड गियर में चल रहे हैं, लेकिन कम स्पीड करते हैं, ठीक है। बहुत पैसे कट रहे हैं, 1700 में आ चुका हूँ, 2100 से स्टार्ट किया था हम लोगों ने, अभी बढ़ने चाहिए थे, अभी कम से कम $3,500 हो जाने चाहिए थे हमारे पास। हम लोगों ने अपनी गाड़ी भी ठोक दी, गाड़ी मतलब यार गाड़ी को नहीं ठोकना, बहुत पैसा खर्च होता है एक बार में, 1500 यूरोज़ ख़त्म हो जाता है अगर आप पूरी गाड़ी को रिपेयर कर रहे हो, तो उन चीज़ से बचना है वरना माइनस में चले जाएंगे हम लोग। अगर पता है इसमें 3 लोग बैठने वाले हैं अभी, अगर इसमें ऐसा कुछ होता गाइस कि कस्टमर मतलब, तो हम लोग अगर बंद कर पाते ना, कितने लोग बैठे हुए हैं एक बार देखूं जरा, 3 लोग बैठे हुए हैं, चलिए ठीक है। There is something big on the window. एक सेकंड कर रहा हूँ वाइपर यूज करते हैं, क्लीन हो गया। यहाँ पर ना ये वाला कैमरा मुझे लग रहा है कि थोड़ा बेटर होगा, क्योंकि पिछला रिकॉर्ड हमारा सही नहीं रहा है। ये लोग एकदम से रोड क्रॉस करेंगे जब लोग रोते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है जब लोग होते हैं उस टाइम पे, वरना तो ये कैमरा अपना एकदम बढ़िया है। अरे भूल गया कि कस्टमर बैठे, 30 से ऊपर नहीं जाना गाइस, बस आराम से चलते रहो। इसमें क्रूज कंट्रोल भी है वैसे, बट उसके लिए हमको टैब में जाके वैसे करके करना पड़ेगा। बेसिकली क्रूज कंट्रोल में क्या होता है कि हम लोग को ना एक्सेलरेटर पर पैर रखने की जरूरत नहीं है, जो एक स्पीड मेंटेन है उसी पर चलते रहेगी, शायद ऐसा ही कुछ होता है। अब हम चल रहे हैं, पहला कस्टमर होने वाला है, अभी इतनी देर हो चुकी है, अभी पहला कस्टमर नहीं छोड़ा हम लोगों ने। डिफिकल्ट तो है यार ये गेम, मतलब चेक करती है आपका पेशेंस लेवल, अगर आप शॉर्ट्स देखने के आदि हो तो नहीं झेल पाओगे इसको, क्योंकि इनको छोड़ना देखो 800 माइल्स लगा लो, उतना दूर जाना है मेरे को अब बस, और हल्की स्पीड में, यही कंडीशन है कि हल्की स्पीड में जाओगे और लंबी दूरी तय करनी है वही नहीं हो पाता। एक टाइम के बाद ना ऐसा लगता है कि भगाओ अब और नहीं, और उसी टाइम पे भी देख मेरा पुलिस वाले को,
चलिए पेशेंस लेवल अभी तो इनका है, आराम से पहले वाले अब इसको छोड़ देंगे, अब सबक मिल गया ना हमको। One eternity later. तो गैस यहाँ पर हमारी ना आखिरी आज की ट्रिप होने वाली है, उसके बाद से हमारे जो पैसे हैं यानी कि 5,000 यूरो हमारे पास हो जाएंगे। मैं 6,000 वाली 6,500 वाली गाड़ी भी ले सकता हूँ, बट मुझे वो विंटेज कार लेनी है, वो काफ़ी सही लग रही है, और 5,000 यूरो में आराम से हम लोग उसको बाय कर सकते हैं। अभी कस्टमर को पिक करने जा रहा हूँ, और आज ना स्टार्टिंग के 2 छोड़ के मैंने एक भी बार फिर उसके बाद गलती नहीं करी, मतलब मैंने प्रॉपर तरीके से ध्यान से गाड़ी चलाई, आराम से चलाई, और उनका पेशेंस लेवल कम हुआ लेकिन ख़त्म नहीं हुआ, तो हम लोग आराम से सक्सेसफुली सारे कस्टमर को छोड़ के आए। यहाँ पर मैंने एक चीज़ ये भी देखी कि कई बार ना अगर आपको महंगा वाला कस्टमर नहीं मिला, मैंने ट्राई किया था कि ज़्यादा मैंने सिर्फ महंगे 400-500 वाले ही लिए, कई बार 350 वाले लिए, लेकिन उससे कम नहीं किया, क्योंकि अगर कम में करता है बहुत राउंड लगाने पड़ते हैं, कहाँ आ रहा है ज़बरदस्ती मरने को, तो इसलिए मैं उसको नहीं कर रहा था। और रेड लाइट में चुपके से अगर खिसक लो ना, कुछ पता नहीं चलता इनको, फिर भगाओ यहाँ से गाड़ी। गाड़ी चलाने में अब मज़ा आ रहा है काफ़ी, बट वही है कि लिमिट वाला, थोड़ा स्पीड वाला, लेकिन इसमें ना मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड, अभी देखना ये जो कस्टमर है देखो 82, अब 82 दे रहा है, लेकिन ये जो चैलेंज वाला है ना, इनमें ऐसा है कि इन कस्टमर्स को अगर मैं बैठाता हूँ तो इनके लिए स्पीड की कोई लिमिट नहीं है, आप कितना तेज भगाओ, गाड़ी को नीचे ले जाओ, आसमान में उड़ा के ले जाओ, इनको कोई टेंशन नहीं है, ये मतलब ये है। लेकिन अभी तक मेरे को कोई भी है जो चैम्पियनशिप वाला है ना महंगा कस्टमर मिला नहीं, अगर मिलेगा तो मैं डेफिनेटली इनको मतलब इनके पास जाने वाला हूँ, क्योंकि मैं आराम से गाड़ी, मतलब आराम से कह रहा हूँ, टेंशन फ्री होके गाड़ी चला सकता हूँ ना, मेरे को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं फिर। अभी तो भगाते हैं हम लोग गाड़ी को, फोर्जा समझ के चलाओ अभी यहाँ पर गाड़ी, कोई टेंशन नहीं है अभी जब तक कस्टमर नहीं बैठा। एक बार कस्टमर, मैंने आज तक अपनी गाड़ी की मैक्स स्पीड भी चेक नहीं करी इसमें, एक बार कस्टमर बैठ जाए तो फिर थोड़ा संभल के चलना होगा, अभी तो हम भाग सकते हैं, सीधे आगे कस्टमर बैठाना है हमको यहाँ से, ये बैठाना। चलिए बैठा लिया कस्टमर, और ये वही कंप्लेनिंग वाला कस्टमर है यार। एक सेकंड देखो जरा कौन है, कौन बैठा अंदर, एक बंदा ये बैठा है, 3 लोग बैठे हैं। हाँ तो कुछ कुछ जो जॉब मैं कर नहीं पा रहा हूँ उसमें वो 4 पैसेंजर वाले हैं। This awful bug from इसको हर बार बग कैसे दिखता है यार, इसके जिंदगी में बग आ गए, इसको देख देख के दिमाग खराब, हर बार जब भी ये मेरी गाड़ी में बैठता है ना इसको बग दिखता है, पता नहीं कहाँ से वहम हो रहा है इसका, एक बार ना भूत उतारना पड़ेगा तांत्रिक के पास ले जाके। ज़्यादा दूर नहीं है ये वाला, हम पास ही है, तो हमारा 5,000 यूरोज हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग गाड़ी लेने वाले हैं, फ्यूल भी ख़त्म हो रहा है। एक बग इसमें बहुत बड़ा गंदा वाला बग ये है गेम में, देखो 2 चॉइस होती है आपको गैराज या फ्यूल डालने के लिए, या तो आप यहीं पे बैठ के फ्यूल डाल लो, या पेट्रोल पंप में डाल के जाके फ्यूल डाल लो, ठीक है, सेम गैराज के लिए भी, अगर आपको गाड़ी रिपेयर करानी या तो खुद गैराज में चले जाओ, या फिर आप टो करा लो, टो कराने में ज़्यादा पैसा लगता है, तो आप चाहोगे कि आप गाड़ी को खुद लेके जाओ, बट अनफॉर्चुनेटली अगर आप गाड़ी खुद लेके जा रहे हो तो वहाँ पर काम नहीं कर रहा हो, दो बार मेरे साथ हो चुका है, एक बार पहले गैराज के लिए हुआ, एक बार फ्यूल के लिए हुआ, तो मेरे को अब अभी इसलिए मेरे गाड़ी में फ्यूल नहीं है, अब अगर मुझे फ्यूल डलाना है तो मुझे टो कराना पड़ेगा, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, कहीं पर अगर दोबारा पेट्रोल पंप दिखेगा ना, मैं तो भूल गया कस्टमर भी बैठे हैं यहाँ पर, 70 होगी, अगर दोबारा कहीं पर फ्यूल स्टेशन दिखता है तो मैं डेफिनेटली एक और बार ट्राई करना चाह रहा हूँ कि क्या एक्चुअल में ऐसा बग है या नहीं है। निकल लो, ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत ही नहीं है यार, पैसे कैसे कमाऊंगा अगर मैं इतना वेट करते रहूँगा ना, टाइम की वैल्यू है हमारे लिए, बस ध्यान रखना मेरी नज़रें हैं इनके पेशेंस लेवल पे, इनको गुस्सा यार कहीं पर आगे मेरे को केमिस्ट दिखे ना, तो मैं सोच रहा हूँ इनको गुस्सा ना आने वाली दवाइयाँ खिला दो पहले पानी में मिला के, फिर गाड़ी भगाऊँ एकदम 100-150 की स्पीड से। Wrong with you? देखो आ गया गुस्सा, अभी गोली खाई होती नहीं आता इसको ये बंदा जब भी आता है ना परेशान ही रहता है, पता नहीं क्यों, मुझे लग रहा है कि मैंने यहाँ पे ना ऑलमोस्ट जितने भी जो मॉन्यूमेंट टाइप के हैं उनको मैंने कैप्चर कर लिया है, तो हमारे पास एक्सपी काफ़ी से हो चुके 12,396 शिट। अब थोड़ा प्यार से, वैसे हम लोग डेस्टिनेशन पे पहुंच ही चुके हैं, अब आराम से कोई रोड क्रॉस ना कर ले गलती से यहाँ पर, अभी
Just get out here. Thanks. गुस्सा हो गया. 528 में डेफिनेटली लेना चाहूंगा. एक और ट्रिप करके आते जल्दी से. कहां पे है इतनी दूर? ओके बहुत ज्यादा दूर नहीं गाइज यार. एक काम करते हैं ना गाइज, हम लोग अभी इसको छोड़ते हैं, इसको कैंसिल करते हैं. कई बार अगर मैं कैंसिल कर रहा हूँ तो मुझे आसपास के और मिल जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर 300 में मिल गया हमको. ये भी दूर ही है वैसे. 792 यूरोज में इसको करके आ रहे हैं गाइज, इसको करके आ रहे हैं. 792 यूरोज अभी तक नहीं करा मैंने. बहुत पैसे हो जाएंगे हमारे पास, है ना. हम अच्छी वाली टैक्सी भी ले सकते हैं, बट अभी कन्फर्म है कि हम एक सेकेंड. ये क्या झोल कर रहे हो हमारे साथ? हमको तो यहीं से चेंज करना है ना. क्यों जबरदस्ती इतना घुमा के लेके जाऊं मैं? एटलीस्ट जब तक उसके पास पहुंचना है तब तक तो हम लोग जल्दी वाला रास्ता अपनाए ना. तब तक हम लोग क्यों टेंशन ले रहे हैं ऐसे? अबे यार ये अभी छोड़ो इसको, मैं नहीं कर रहा अभी. अभी हम लोग सीधा ना गैराज में टो करते हैं यार. ये यही होता है जब मैं जल्दी चलाता हूँ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है. पता नहीं कहाँ से अचानक से आ टपका, वो दिखा भी नहीं मेरे को. और ब्रेक जब तक लगाता तब तक तो फिर देर हो चुकी थी. ये क्या है? रिटर्न दो तो कार. कॉल द पुलिस. पुलिस को बुला के क्या करूँगा मैं? ओके. ये मुझे पता नहीं था कि ये भी कर सकता है. अगर ट्रैफिक फ्लो हो ख़राब होता है तो हम लोग पुलिस को बुला सकते हैं. फिलहाल हम लोग चलते हैं अपनी पहली टैक्सी बाई करने. गाड़ी को थोड़ा सा हम लोग धो लेते हैं. पूरी ही धो दी मैंने, धो ही नहीं, फ्यूल पूरा डलाते हैं पहले. अब कितने पैसे बच रहे मेरे पास? ये लो, ख़त्म हो गए सारे पैसे गाइज. एक ट्रिप करके आनी पड़ेगी वरना नहीं हो पाएगा काम. तो हम लोग चल रहे हैं 300 ये वाला करके आते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है. ये करना भी ज़रूरी था ना यार, लेकिन गाड़ी को रिपेयर करना. चलो कोई नहीं, अभी भगाते हैं हम लोग. उसके अलावा कोई कहीं पर कस्टमर मिलेगा? और 308 में चले ठीक है, 400 में सही हो जाएगा. 400 यानी कि हाँ 400 में हमारे पास एग्जैक्ट उतने ही पैसे होंगे जितने में हम लोग एक टैक्सी बाय कर सकते हैं. और किसी चीज़ से डर नहीं है पता, और से कुछ नहीं हो रहा. बस ये लोगों से ही हो जा रहा है ना, अगर इनको ठोक दिया तो 100 यूरो वैसे ही कट रहे. सबसे ज़्यादा इसी में चार्ज है क्योंकि एक्सीडेंट हो रहा है, यानी कि वो बंदा शायद मर ही जा रहा होगा, पता नहीं, हमें नहीं पता. एक तो ये प्रॉब्लम हो रही है और दूसरा राइड कैंसिल हो जा रही है. मतलब और जगह ये है कि ठोक लो कोई दिक्कत नहीं है जब तक उसका पेशेंस लेवल ख़त्म नहीं हो, लेकिन यहाँ तो सब कुछ ख़त्म ही हो जा रहा है. यहाँ पर है ना बंदा, हाँ ज़्यादा दूर नहीं है. आई होप कि इसकी डेस्टिनेशन ज़्यादा दूर ना हो. ओके तो लास्ट ये होने वाला अभी. कहाँ पर छोड़ना है इनको एक बार देखो जरा. ज्यादा दूर नहीं है, आराम से लेके चलते हैं. ये देखो ये बंदे, मुझे कुछ नहीं दिख रहा यार, जबरदस्ती मत चलवाओ मेरा वाइपर. सत्तर की स्पीड है ना, फिर तो भगाते हैं. 69 पे मेंटेन करके चल रहे हैं हम लोग. अभी फोर्थ गियर डाल दिया. स्पीड 90 पहुंच गई. एक सेकंड, 70 पर मेंटेन करके चल रहे हैं अभी. चलिए ये लास्ट राइड होने वाली, इसके बाद हम लोग फाइनली अपनी टैक्सी बाई करने वाले हैं. मज़ा आएगा. मतलब मेरे को देखना है कि क्या एक्चुअल में ऐसा है कि हम लोग कर पाएंगे, क्योंकि इसमें आ तो रहा था कि अपना बिजनेस ग्रो करना. ग्रो करने से क्या मतलब है? कि हम लोग और किसी बंदे को रखेंगे यहाँ पर, हायर करेंगे, है ना. अगर ऐसा नहीं होगा तो ओके कर लेना, बाद में कर लेना. अभी पहले जहाँ पहुँचाना हो वहाँ तो पहुँचा दूँ इसे मैं. अब तो एकदम मस्त तरीके से टैक्सी चला रहा हूँ मैं. कभी कभी चीज़ें हो रही है वो तो मतलब ठीक है, वो अचानक से लोग आ रहे हैं, और वैसे कुछ नहीं है. वैसे हम लोग बहुत मस्त तरीके से, गाड़ी की आदत भी हो गई ना अभी इसलिए. हो पहुँचा दिया इसको मैंने जल्दबाजी में, बस ठुक ना जाए कहीं पर. अब गाड़ी यहाँ पर लगानी हमको ऊपर. पहुंच गए. It was such a pleasure riding with you. मजा आया उसको, लेकिन स्पीड में भगाई ना मैंने. एक और टास्क मिल रहा है अभी, हम लोग इसको कैंसिल करते हैं, बैक करते हैं. 5077 यूरोज हमारे पास हो चुके हैं. अभी हम लोग चल रहे हैं सीधा गैराज में. 50 में हम लोग पहुंचेंगे गैराज में, और अब बच रहे हैं हमारे पास ऑलमोस्ट 5000 यूरोज.
तो पहले तो एंटर कर लेते हैं गैराज के अंदर, पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे अब कुछ नहीं छेड़ रहा मैं गाड़ियों को, ठीक है। देखो आ रहा है ड्राइवर का, देखो ये सब आ रहा है, ये सब चीज़ें कब एक्सेस करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले गाड़ी बाई करते हैं। कौन सी गाड़ी? विंटेज गाड़ी बाई कर ली हम लोगों ने। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन परचेजिंग अ न्यू कार, टू जनरेट इनकम फ्रॉम द व्हीकल यू आर नॉट करंटली यूजिंग, हेड ओवर टू द कंपनी मैनेजमेंट सेक्शन, एम्प्लॉई में मेरे को हायर करना पड़ेगा। ऑल राइट, तो पर्क्स हैं इसके पास, ये सब ड्राइविंग, गुड ड्राइवर लेजी भी है थोड़ा बहुत, चलेगा कोई बात नहीं। वर्कहॉलिक मतलब ये दिन रात काम ही करता रहता है, बैड ड्राइवर है। द एम्प्लॉयज कार नीड्स टू बी रिपेयर्ड ऑफन, ओके बार बार ये बंदा ठोकते ठाकते, मतलब मेरा जैसा ही है ना ये बंदा। द एम्प्लॉय प्रोवाइड्स लेस मनी पर डे, लेस विद ईच लेवल। द एम्प्लॉय कार्स गेट डर्टी फास्टर फास्टर विद ईच लेवल, गुड ड्राइवर है ये, हायर करना चाहिए गाइस हमको। पर डे का इतना इसका रेट है और हमको कितना कमा के देखा वो नहीं पता, इसका सबसे महंगा है तो इसको हायर करते हैं अभी हम लोग, ठीक है। इसको हायर कर लेते हैं, कंटिन्यू। चलिए अभी हम लोगों ने हायर कर लिया इसको, इसको हम लोग असाइन कर लेते हैं। ओके फाइनली हम लोगों ने पहला ड्राइवर अपना असाइन कर लिया। 170 यूरोस डेली के कटेंगे और देखते हैं कि हमको कितना कमा के देगा। ओके मैं इसको एक एरिया दे सकता हूँ, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन, कौन सा एरिया दूँ यार, कौन सा बड़ा वाला एरिया, ये गलियाँ हैं ना शायद, गलियाँ हैं, गलियों में तू चला यार। इसको देता हूँ गलियों में, 12 AM से 3 AM। ओके टास्क दे दिया, आई होप कि सब कुछ हो चुका है, अब ये जाके बंदा काम करेगा। यार ये गाड़ी में अगर इसके साथ चेंज करूँ, एम्प्लॉई इतने सारे हायर और कर सकते हैं हम लोग, बट अभी तो मैं कैसे कर सकता हूँ। इनकम कितनी हो रही है, अभी कॉस्ट प्रॉफिट ये सब चीज़ें बाद में, ये बात की चीज़ है ना, अभी काम नहीं आएंगे। प्लेयर गेम वर्ल्ड गेयरबॉक्स प्रीसेट ड्राइवर गैराज कार्स, अगर मैं अपनी गाड़ी चेंज कर लूँ असाइंड, या अगर मैं इसके लिए मेरे को बाई करनी पड़ेगी, सेट एज एक्टिव इन यूज़। ओके अब जाके यूज़ होने लग गई, तो अभी ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा कि मैं रिप्लेस स्वैप कर सकता हूँ, मतलब मैं उसकी गाड़ी चला सकता हूँ वो मेरी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं, अभी कितना पैसा बच रहा है हमारे पास, 27। ओके एक सेकेंड, ये गाड़ी मेरे पास आ चुकी, तो हम लोग विंटेज कार चलाने वाले हैं। और जो हमारा कस्टमर है MT, असाइन कर लिया ना, असाइन ये गलियों में चलाना। अब जाके हम लोग चलाने वाले हैं ये विंटेज कार, आपको दिखाने वाला हूँ इसका लुक। ओहो कितनी सही ये गाड़ी लग रही है यार गाइज, कितनी सही गाड़ी लग रही। ऐसा लग रहा है ट्रैक्टर चलाया मैंने। थोड़ा भगाएं क्या, एक सेकंड, कोई ना कस्टमर चूज कर लेते हैं, इससे एक ट्रिप करके आते हैं, ठीक है। कहीं पर दिख रहा है 457, ये वाला करते हैं मस्त करके, पैसे भी हो जाएंगे और ताकि एम्प्लॉय की सैलरी जाती रहे ना, उसके लिए पैसा चाहिए। और मुझे देखना है कि थोड़ी देर में क्या हमारा इनकम बढ़ेगी हमारी, क्योंकि हम लोगों ने जो एम्प्लॉय हायर कर रखा है उसको पैसे लाने चाहिए ना हमारे लिए। सेकंड, बैग 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 बैग, अबे बैग क्यों नहीं हो रही गाड़ी, चलिए यहीं से चल लेते हैं। एक बार मैं आपको इंटीरियर दिखाता हूँ गाइस, ये देखो इंटीरियर देखो आप ये गाड़ी का, ये देख रहे हो, और ये ओहो कितना सही है यार, ये कुछ अलग ही लग रही गाड़ी। चल ये सही है, चलाते हैं इसे कभी। मजा आएगा इसको चलाने में, देखना है कि स्पीड कैसी है, फास्ट है, थोड़ा साउंड अच्छा लग रहा है मेरे को, उससे बेटर साउंड लग रहा है इस गाड़ी का। ये कैमरा देखो इसका, ऐसा नहीं लग रहा तोप चलाने वाला हूँ, थोड़ी देर में तोप लेके जा रहा हूँ कोई। ब्रेकिंग देखते हैं थोड़ा सा, रिवर्स गियर में तक डालना पड़ गया मेरे को, ब्रेक लगे नहीं इसको। ऑलराइट, तो हमारे कस्टमर्स यहाँ पे बैठने को तैयार हो गए हैं। एक ही कस्टमर तो नहीं है मुझे इतना याद है, एक तो कस्टमर नहीं था, कहाँ गया, दो लोग, कपल्स को लेके जा रहा हूँ मैं, एक और भी है नहीं, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। ओके तो 2.5 किलोमीटर दूर मेरे को जाना है इनको लेके, तो हम लोग चल रहे हैं अभी। यार थोड़ा अंदर से चलाते हैं, ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है व्यू इसमें, इसमें अच्छा खुला खुला सा लग रहा है ना, मज़ा आ रहा है मेरे को ना। वहाँ पर कुछ महंगी महंगी गाड़ियाँ भी हैं, वो भी लेनी है, अभी हम लोग नहीं ले सकते, लेकिन डेफिनेटली अब मुझे लग रहा है कि जल्दी हम लोग ले पाएंगे, क्योंकि अब दो लोग काम कर रहे हैं मुझे अमीर बनाने के लिए। बुलेट वाला भी कह सकते हैं हल्का सा, बट स्टार्टिंग में ट्रैक्टर वाला आया था, लेकिन मस्त साउंड आ रहा है, मज़ा आ रहा गाड़ी चलाने में। शायद मेरे को लग रहा है कि शायद थोड़ी सी उससे फास्ट तो नहीं है ज़्यादा, थोड़ा स्लो तो है, बट चलेगा ना काम चलेगा, मज़ा आ रहा है ऐसे करके। विंटेज कार, उसके बाद और भी कुछ फास्ट कार है वो हम लोग डेफिनेटली लेने वाले हैं। एक सेम मेरी जैसी कार थी इसी प्राइस में, वो मैंने नहीं ली, हमारे पास दो डिफरेंट कार्स अभी हो चुकी हैं।
अब हम लोग एक्चुअल में अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, तो हम लोग बेसिकली मुझे लग रहा है कि 3 ड्राइवर और हायर कर सकते, तो हमारे पास टोटल 4 ड्राइवर हो जाएंगे। उसके बाद तो बहुत बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग, है ना। पीछे से कोई गाड़ी आ रही, पहुंचे नहीं क्या अभी? ओके, तो हमारे पास आ चुके हैं यहाँ पे पूरे। एक और मिल रही, इसको नहीं ले रहा हूँ मैं अभी। 495 यूरोज आ चुके हैं हमारे पास। आसपास कोई कस्टमर्स हैं अभी? ये वाला एरिया तो अलग ही है कुछ यार। 352 261 790, ये करके आ रहे हैं हम अपनी लग्जरी कार में। 791 वाला दोबारा मिल चुका हमको, ये मैंने अभी तक नहीं करा। इससे हम लोग बहुत पैसे कमा सकते हैं यार, बैकअप रहेगा इनकेस अगर गाड़ी ठुकूक जाती है ना, तो रिपेयर करने के पैसे रहेंगे, वरना बहुत दिक्कत हो सकती है। हम लोग अभी उस वो बंदा कब कमा के लेके आएगा जो भी है, वो लेडी पता नहीं कब कमा के लाएगी पैसे, पता नहीं है कैसे काम करेगा। मतलब मैंने असाइन तो कर लिया, सब कुछ अपनी तरफ से कर लिया, अब उसकी शिफ्ट होगी, कंप्लीट होगी, उसके बाद पैसे मिलेंगे या फिर वो एक्चुअल में कर रही है। यार मैप में दिखाना नहीं चाहिए गाइज, मैप में दिखाना नहीं चाहिए। मैनेजमेंट में जाएँ एक बार, मैनेजमेंट में ये अभी असाइंड है तो क्या ये काम कर रही, कैसे पता चलेगा? 3 AM अभी मतलब कर रही होगी ये काम इस हिसाब से, तो पता नहीं क्या चक्कर है, देखना पड़ेगा। खैर इसको छोड़ते हैं, आज का एपिसोड मुझे लगता है कि यहीं पर ख़त्म करना चाहिए अभी, क्योंकि मैं वापस ना अपनी वाली ही गाड़ी चलाऊंगा, इसमें मुझे मज़ा नहीं आ रहा है यार। ये गाड़ी दिखने की तो अच्छी है देखो, लेकिन मुझे लग रहा है कि चलने के लिए चलाने के लिए सही है। इसको छोड़ते हैं हम लोग, आज का एपिसोड कैसे हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज हम लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसे कमाए, ऑलमोस्ट $6,000 हम लोगों ने कमाए, एम्प्लॉई रख लिया है, अब पता नहीं पैसे कमाएगा नहीं कमाएगा, नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। फिलहाल आज का एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।